नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये बॉरबोटी, लॉन्ग बीन्स, चावला की फली या लोबिया प्लांट या काउपी भी बोला जाता है। दोस्तों, इसका जो प्लांट है, मैंने सीडलिंग जो किया था 24 मई को, अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखा नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसे आप दो टाइम उगा सकते हैं, मतलब इसकी जो सीडलिंग का टाइमिंग है वो दो बार कर सकते हैं। एक आप इसको जो है फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं और आप जो है मई जून जुलाई में भी इसकी जो सीडलिंग है वो कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक फली है, आप देख सकते हैं, और अभी जो इसमें फलियां लग चुकी है, तो मैं आपके साथ ये चीज़ जो है शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने जो प्लांट लगाया था वो कितने अच्छे से हो रहे हैं। और अभी जो है ये थोड़े दिन ही इसकी फलियां आएगी, फिर विंटर में और ज़्यादा बारिश में इसके जो फल वगैरह है वो नहीं आते। ज़्यादा विंटर में तो ये नहीं उगते हैं अच्छे से, और किसी किसी जगह पे अगर कोई उगा ले तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में ये समर का ही प्लांट है और बहुत ही अच्छे से ये उग भी जाते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है फलियां वगैरह जो है आ चुकी है मेरे इस प्लांट के अंदर। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं आपसे साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से मैंने जो इस प्लांट की देखभाल की या क्या किया कि इसमें इतने अच्छे से जो है छत के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं फलियां वगैरह आ गई है। तो दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस को अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, लॉन्ग बीन्स या बॉरबोटी जो है एक बहुत ही अच्छी फली है। इसे आप ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ कि दो बार जो इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, मई जून जुलाई, या आप फरवरी मार्च में भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। और ये आपको 60 से 90 दिनों के अंदर जो है फलियां वगैरह आ जाती है। और दोस्तों, जितने भी वेजिटेबल के प्लांट हैं तो उनको आप कोशिश इतना कीजिए कि थोड़े से बड़े साइज़ का जो कंटेनर होता है उसमें लगाइए। आप देख सकते हैं मेरे जो ये कैसे डब्बों में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है, और इसके अंदर जो है मूंग के जो दाने होते हैं उससे बड़े साइज़ के सीड होते हैं। मेरे ऑलरेडी इससे पहले जो सीडलिंग किया था मैंने, उसमें इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो इसके सीड वगैरह किस तरह से उगाया है या सीड कैसे दिखते हैं वो सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं जाकर वीडियो में। दोस्तों, ये इसके लीव्स कुछ इस तरह से होते हैं, आप देखिए 3 लीव्स जो होते हैं वो एक साथ जॉइंट रहते हैं, और इसकी फलियां बहुत ही अच्छे से उग जाती है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। दोस्तों, अभी कोई भी वेजिटेबल का जो प्लांट लगाते हैं तो उसमें ध्यान इतना रखना होता है कि कभी भी छोटे पॉट में मत लगाइएगा, क्योंकि छोटे अगर गमले होंगे आपके तो उसमें जो है ज़्यादा फल वगैरह नहीं बनती है। तो आप कोशिश इतना कीजिए कि बड़े साइज़ का जो कंटेनर है या बड़े साइज़ के ही जो पॉट वगैरह है वो लीजिएगा। इसके लीव्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। ये जो है सेम फली वगैरह उसी की प्रजाति का ही है, और सेम फली वगैरह तो विंटर का होता है लेकिन ये समर का है, मतलब लीव्स वगैरह उसमें भी 3 आती है और इसमें भी 3 आती है, इसी तरीके का ही होता है ये। और दोस्तों, बड़े साइज़ का आप देख सकते हैं मेरा जो ये पॉट है, एक्चुअली पॉट नहीं है, ये थर्माकोल का एक बॉक्स है और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। और पहले मैंने इसमें कद्दू वगैरह भी काफ़ी उगा रखी है, कद्दू के जो प्लांट वगैरह होती है, वाइन होती है वो भी, और ये भी एक वाइन ही है। क्योंकि जो वेजिटेबल के प्लांट होते हैं उनको थोड़ा सा फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, ज़्यादातर जो वेजिटेबल के प्लांट होते हैं उसमें ज़्यादातर वाइन होती है, मतलब बेल होती है, तो उनको फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो छोटे से छोटे गमले में ये नहीं उगते हैं। फ्लावर वगैरह के प्लांट तो आप छोटे गमले में भी उगा सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोशिश इतना कीजिए कि बड़े साइज़ का जो गमला है वो लीजिए। इस तरह के बॉक्सेस अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो उस पर भी आप जो है वेजिटेबल लगा सकते हैं, नहीं तो किसी भी तरह के बड़े बड़े जो जैसे फेविकॉल के जार हो गए या कोई डब्बे हो गए बड़े साइज़ के, या बड़ा बाल्टी हो गया कोई ख़राब ऐसा प्लास्टिक का आपका पड़ा है, तो उसमें भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो, जो वेजिटेबल वगैरह उगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वेजिटेबल का जो ये चावला की फली का जो प्लांट है, इसकी सॉइल की अगर बात करेंगे तो इसे जो है वेल ड्रेन सॉइल चाहिए और दोमट मिट्टी चाहिए होती है। मतलब आप जब भी इसको लगाए तो खाद वगैरह ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल के प्लांट वगैरह होते हैं उसको खाद वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है।
वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, तो आपका जो गमला होगा उसमें पानी की ड्रेन जो बह जाने का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो कभी भी आपके जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से नहीं लग पाएगा। आपके जो प्लांट लगाओगे उसके जो रूट्स वगैरह, रूट्स बॉल जो है सड़ जाती है अगर पानी रुकता है तो ड्रेनेज होल का बिल्कुल ध्यान रखिए बहुत ही अच्छे से, कि पानी बहुत अच्छे से जो है निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर इसके सॉइल की मैं बात कर रही थी, सॉइल के लिए 50-50 रेशियो रखिएगा। 50-50 के अंदर आपको जो है 25% जो है सॉइल लेना है और 25% जो है आपको जो है नॉर्मल सैंड लेना है, और 50% जो है आप खाद ले सकते हैं। खाद में आप कोशिश ये कीजिए कि जो जैसे गोबर की खाद होती है वो ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए। गोबर की खाद में नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छे से आपका जो है प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। लेकिन जो आपका काउडंग होगा वो डिकम्पोज्ड होना चाहिए, यानी पुराना होना चाहिए। और अगर आपके पास पुराना काउडंग नहीं है तो आप किस तरह से डिकम्पोस्ट कर सकते हैं उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर शेयर है। काउडंग को आप गीला करके रख दीजिए किसी डब्बे के अंदर, और उसका जो वाटर है आप वेजिटेबल प्लांट में डालते रहिए, वो भी एक तरह से फर्टिलाइज़र ही हो जाता है प्लांट के लिए, और वो भी काम आता है। और धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर ही आपका जो, जैसे ही आपका वो पानी ख़त्म हो आप उसको फिर से पानी से भर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा शेयर है तो आप बहुत ही अच्छे से जाकर उसमें पूरी चीज़ें बताई गई है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो आप इसको जो मिट्टी लगाएंगे दोस्तों, उसमें आप जो है काउडंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे तो लीव कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या अपने किचन के वेस्ट से जो कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं कंपोस्ट वगैरह वो भी मिलता है तो वो भी ले सकते हैं। और दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो काउडंग होता है उसी का वाटर ज़्यादा दीजिएगा। तो जैसे ही आपके इसमें फूल आने लग जाएगा प्लांट के अंदर, तभी आपको इसमें जो है फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई करना है। जैसे फूल से फल हल्के से बनने लग जाए तब भी आपको इसमें जो है फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। अगर फल एक बार आपने तोड़ लिया है तो फिर से आपको इसमें जो है फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। यानी आप कोशिश इतना कीजिए कि आपको कम से कम 12 दिन या 15 दिन के अंदर जो है फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, तभी आपका जो ये प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और उसमें बहुत ही अच्छे से फलियाँ भी बनेगी। दोस्तों इसमें चींटियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, आपके सामने ही दिख रहा होगा कि मेरे प्लांट में भी बहुत ज़्यादा चींटियों वगैरह का अटैक हो चुका है। तो इसमें जो है आपको हर 15 दिन के अंदर जो है नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे इसमें सिर्फ चींटियों का अटैक ही नहीं, इसमें एफिड्स के अटैक भी हो जाते हैं, फिर जैफिड्स होते हैं उसके भी अटैक हो जाते हैं, और जो है फल छेदन मतलब जो आपकी जो फलियां बनेगी उसमें कहीं पर भी छेद टाइप का हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है वीडियो शेयर है, आप किस तरह से जो इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं या अपने जो प्लांट से है किस तरह से दूर कर सकते हैं। दोस्तों ब्रिंजल का प्लांट मैंने लगाया था तो उसमें जो एफिड्स का अटैक वगैरह होता है तो उसको हटाते किस तरह से वो वगैरह मैंने बताया, सेम प्रोसेस है जो इसमें आपको जो है अप्लाई करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है, और जो है इसको बिल्कुल धूप में रखना पड़ता है क्योंकि ये समर का प्लांट है। दोस्तों लॉन्ग बीन्स का जो प्लांट है उसे आपको कम से कम 5 घंटे की धूप तो दिखानी पड़ेगी, तभी जो है फूल से फल बनेंगे। तो दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।